मेरे भाई अभी दम घुट रहा है मेरे भाई का, तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊँ। मैंने सिर्फ आंखें बंद करके कॉस्मिक एनर्जी को बोला, कॉस्मिक एनर्जी आपने मुझे ऑलवेज हेल्प किया है और आगे भी मेरे को मदद करेगी, मुझे आपके ऊपर पूरे पूरा विश्वास है। मेरा भाई जो है उसको कोरोना हो गया था, और कोरोना में उसको उसमें कैसे मुझे कॉस्मिक एनर्जी कैसे मुझे हेल्प किया, मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरे भाई को सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आया, तो उसको हमारे सरकार के यहाँ से वो लोग ले गए थे, और उन्होंने बोला कि इधर ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, और मेरे भाई को बुखार आ रहा था। तो फिर मेरे भाई का मेरे पे फ़ोन आया कि भाई जलपा ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो रही है, और उधर का जो एटमॉस्फेयर था, तो उसको समरस हॉस्टल में उसको ले गए थे, तो उधर का एटमॉस्फेयर से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर हम लोगों ने एक दिन के अंदर मैंने 141 कॉल्स किए, और इतना जैक लगा कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, कुछ जैक मिल जाए तो उसको प्राइवेट में मिल जाए। तो प्राइवेट में जब फ़ोन किया, तो प्राइवेट वाले लोगों ने ऐसा बोला कि आपके भाई का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है, तो आपके भाई को हम आईसीयू में रखेंगे, तो वन डे का 30,000 रुपीज़ चार्ज लगेगा, और वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और मेरा भाई अकेला ही है उसके घर में कमाने वाला, तो हम लोग वो बैर नहीं कर सकते थे, और मेडिक्लेम उन्होंने बोला 30% ही क्लेम होगा, बाकी का नहीं, तो इसलिए हम लोग क्लेम नहीं कर सकते थे। तो फिर मैं मेडिटेशन में बैठी, और मेडिटेशन के बाद मेरे को 3-4 हॉस्पिटल का रेफरेंस मिला। उसमें से एक हॉस्पिटल में डॉक्टर सलीम करके थे, उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि हम लोग घर पे ट्रीटमेंट देते हैं, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मैंने बोला कि आप घर पे आ जाओ, उन्होंने बोला वन डे का 6,000 लेंगे और अच्छा कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे भाई की वो ट्रीटमेंट चालू हो गई, और वो ऑक्सीजन लेके घर पे आ गए, और मेरे भाई को जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगा। 6:30 बजे शाम का उसको, मेरे को याद है थर्सडे था, और शाम को 6:30 बजे उनका कॉल आया डॉक्टर का कि भाई सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो आपके भाई को अभी घर पे ट्रीटमेंट देके ओके कर सकते हैं। तो हम लोग तो खुश हो गए। फिर रात को 8:30 बजे डॉक्टर का फ़ोन आया कि मैंने 3 बार वीडियो कॉलिंग से बात की है आपके भाई के साथ, लेकिन आपके भाई को अभी भी ऑक्सीजन लेवल कम पड़ रहा है, तो आपके भाई को एडमिट करना पड़ेगा। फिर मैंने उनको बोला कि सर क्या चार्जेस होगा, तो उन्होंने बोला कि आप प्राइवेट में ले जाओ, वही ठीक रहेगा, तो सब जगह पे आपको पता है 5 लाख 10 लाख रुपया तो ऐसा हो ही जाता है। तो तब मुझे कॉस्मिक एनर्जी ने हेल्प किया, और मैंने एक भाई को फ़ोन किया जो 108 चलाते थे, और जो मेरे भाई को हॉस्टल में लेके गए थे, उनको मैंने कॉल किया, और मैंने बोला कि भाई अभी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, और मेरे भाई अभी दम घुट रहा है मेरे भाई का, तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि बहन जी आप रोइए मत, मैं आपके भाई का करवा देता हूँ। तो उसने मेरे भाई का एकदम प्राइवेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट कोटा में करवा दिया, क्योंकि उसको पता चला कि भाई मेरे भाई की हालत अच्छी नहीं है। और उस दिन मेरे भाई को ट्रीटमेंट चालू हुई, तो जब तीसरा दिन था मेरे भाई का, तो तीसरा दिन सुबह डॉक्टर का फ़ोन आया मेरे पे कि आपके भाई को इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो मेरे को पता चल गया 40,000 का इंजेक्शन, और उस टाइम कुछ इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, वो प्रॉब्लम चल रहा था। तो उस दिन मैंने अप्रोक्सीमेट 100 जितने फ़ोन किए वो इंजेक्शन के लिए, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। मैंने सिर्फ आंखें बंद करके कॉस्मिक एनर्जी को बोला, कॉस्मिक एनर्जी आपने मुझे ऑलवेज हेल्प किया है और आगे भी मेरे को मदद करेगी, मुझे आपके ऊपर पूरे पूरा विश्वास है, प्लीज़ मुझे इस फील्ड के अंदर अभी आप हेल्प कीजिए। बस इतना ही मैंने किया, और सामने से एक बंदे का फ़ोन आया कि आपके भाई के लिए मैंने ये इंजेक्शन है अरेंज कर दिया है, आप आके ले जाइए। आप मानेंगे नहीं, मैं वो इंजेक्शन मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए, फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, और मैंने तब मेरे भाई को बोलना चालू किया, कॉस्मिक एनर्जी को बोलना चालू किया, मेडिटेशन करना चालू किया कि भैया आप स्वीकार लो, भैया आप स्वीकारो कि आप एकदम तंदुरुस्त हो गए हो, कंटिन्यूस वो उसको मैसेज देने चालू कर दिए। तो डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया कि इंजेक्शन आ गया है, डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी एक दिन वेट करेंगे, क्योंकि आज आपके भाई को अच्छा हुआ है। तो मैंने कहा ओके। तो फिर दूसरे दिन डॉक्टर का फ़ोन आया शाम को, मैंने कहा सर इंजेक्शन, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको फ़ोन करने वाला था कि अचानक ही आपके भाई का जो इन्फेक्शन था वो 384 था जब वो फ्राइडे को आया था तब, और संडे को उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने इंजेक्शन का डिसाइड किया था, लेकिन मंडे को शाम को उनका फ़ोन आया कि अभी आपका भाई का इंजेक्शन सिर्फ 64 हो गया है, तो इंजेक्शन देने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप मुझे वो इंजेक्शन दे दीजिए। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने बोला कि हमारे एक जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया है जो कोविड पॉजिटिव था पेशेंट, लेकिन उन्होंने छुपाया, और ये जो डॉक्टर है उस डॉक्टर को अभी कोरोना हो गया है और आपके भाई से भी वर्स्ट हालत है उसकी।
अभी ऐसा होता है उसके अंदर कि एक बार मेरे भाई को इससे हो गया वो इंजेक्शन 35,000 का, तो फिर उसको दूसरी बार वो इंजेक्शन वो लोग नहीं देते, तब ऐसा चल रहा था सितंबर महीने की मैं बात कर रही हूँ तब। तो मैंने बोला कि अगर मेरे भाई को कल ज़रूरत पड़ेगी तो बोले मैं कुछ भी करके ले आऊँगा, अभी इसको ज़रूरत है तो आप दे दीजिए। तो फिर हमने ये इंजेक्शन ये जो डॉक्टर थे उनको दे दिया, तो डॉक्टर की जान भी बच गई। और दूसरे दिन सुबह ये जो हमारे मेरे भाई के डॉक्टर थे उनका फ़ोन आ गया कि भाई आपके भाई का इन्फेक्शन 34 हो गया है, तो आपके भाई को भी इन्फेक्शन वो इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो डॉक्टर भी बच गए आपकी वजह से। तो उन्होंने मेरे को थैंक यू बोला, मैंने कहा मुझे नहीं, कॉस्मिक एनर्जी को थैंक यू बोलिए।